हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो सेशन में हम इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सियल लाइन पर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे उस डाइपोल के कारण टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड डिराइव करना सीखेंगे। ये डेरिवेशन सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है। इस डेरिवेशन को स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स याद होने चाहिए, जैसे कि किसी पॉइंट चार्ज का टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है। तो वो होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर। दूसरी बात कि पॉजिटिव चार्ज होगा तो उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो होगा अवे फ्रॉम चार्ज, और अगर चार्ज नेगेटिव है तो उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा टुवर्ड्स चार्ज डायरेक्टेड, है ना। और तीसरी बात कि किसी भी डायपोल में जो डायपोल मोमेंट वेक्टर होता है वो किस तरफ से किस तरफ डायरेक्टेड होता है, वो होता है नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ डायरेक्टेड। तो इन बेसिक कॉन्सेप्ट्स की हमें इस डेरिवेशन में मदद लगेगी। तो चलिए अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए टॉपिक क्या था हमारा, टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल। तो पहले ये फिगर समझिए, ये माइनस चार्ज ले लिया हमने डाइपोल का, ये प्लस चार्ज हमने यहां डाइपोल का ले लिया। दोनों चार्ज को मिलाने वाली लाइन को ही हम एक्सिस ऑफ डाइपोल कहते हैं। तो इसी एक्सिस ऑफ डाइपोल को हम आगे बढ़ा लेते हैं, है ना। क्योंकि दोनों चार्ज के बीच में टोटल डिस्टेंस 2a होता है, और अगर ये पॉइंट मिड पॉइंट है तो यहां से पॉजिटिव चार्ज का डिस्टेंस कितना होगा a, यहां से नेगेटिव चार्ज का डिस्टेंस कितना होगा ये भी a, है ना। अब एक्सियल लाइन के किसी पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था, तो हम मान लेते हैं कि वो पॉइंट है m जिसका डिस्टेंस डाइपोल एक्सिस के मिड पॉइंट से r है, ठीक है। इस पॉइंट का डिस्टेंस कहां से लिया गया है, डाइपोल एक्सिस के मिड पॉइंट से लिया गया है, और वो कितना है, वो है r के बराबर, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा m पॉइंट पे ड्यू टू दिस डाइपोल वो कितना होगा, वो होगा वेक्टर सम के। किसका वेक्टर सम का, तो पॉजिटिव चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहां पे उसका, और नेगेटिव चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहां पे उसका। मींस दोनों चार्जेस के कारण जो इंडिविजुअली इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा उन इलेक्ट्रिक फील्ड्स का वेक्टर सम होगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट एम ड्यू टू द होल डाइपोल, ठीक है। तो मैथमेटिकली अगर हम बात करें तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, इन दोनों का वेक्टर सम, ठीक है। तो अब हम डेरिवेशन आगे करते हैं। अब हमको जरूरत क्या है, इनकी वैल्यूज लिखने की। अब ध्यान दीजिए, चूंकि ये वेक्टर टर्म में एक्सप्रेस है इसलिए हम यहां पे इनकी वैल्यू भी बताएंगे, मीन्स मैग्नीट्यूड भी बताएंगे, एज वेल एज इनका डायरेक्शन भी बताएंगे। तो चूंकि हम डाइपोल के कारण हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं, इसीलिए यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हम बताएंगे वो डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में बताएंगे, ठीक है। चलिए अब हम डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। डेरिवेशन स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन की जरूरत होगी, जैसे कि m पॉइंट पे इन पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड्स का डायरेक्शन क्या होगा। दूसरा, m पॉइंट का पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस से डिस्टेंस क्या होगा, ठीक है। तो हम पहले मान लेते हैं कि m पॉइंट पे जो पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा उसका सिंबल होगा E प्लस क्यू, और नेगेटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा उसका सिंबल होगा E माइनस क्यू, है ना। पॉजिटिव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम चार्ज होता है तो यहां पे मेंशन कर दिया गया,
है ना, इस पॉजिटिव चार्ज के कारण यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम चार्ज, निगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स चार्ज होती है, तो टुवर्ड्स चार्ज मेंशन कर दिया गया, मतलब निगेटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहां पे वो किधर होगा, टुवर्ड्स चार्ज होगा। ठीक, अब हमको यहां पे मैथमेटिकल फॉर्म में डायरेक्शन असाइन करने की जरूरत है, तो वो काम हम करते हैं डायपोल मोमेंट वेक्टर की मदद से। ठीक है, तो यहां पे हम डायपोल मोमेंट वेक्टर के यूनिट वेक्टर को कंसीडर करेंगे जो क्या होगा, पी कैप होगा। तो देखिए, पॉजिटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन किधर है, डायपोल मोमेंट के ही अलोंग है ना, क्योंकि डायपोल मोमेंट किधर से किधर होता है, माइनस से प्लस की तरफ होता है, ऑलरेडी हम यहां डिस्कस कर चुके थे इस बात को, है ना। तो जिस तरफ डायपोल मोमेंट वेक्टर डायरेक्टेड है उसी तरफ पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड भी डायरेक्टेड है, इसलिए हम यहां पे क्या करेंगे, डायरेक्शन असाइन करने के लिए पी कैप से मल्टीप्लाई कर देंगे यूनिट वेक्टर ऑफ डायपोल मोमेंट वेक्टर। ठीक है, माइनस क्यू चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका डायरेक्शन देखिए इस तरफ है, डायपोल मोमेंट इस तरफ है, मतलब निगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल मोमेंट वेक्टर के डायरेक्शन से अपोजिट है, इसलिए हम यहां पे क्या करेंगे, माइनस पी कैप से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, क्लियर है। तो अलोंग डायपोल मोमेंट वेक्टर था इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव का, इसलिए सिर्फ पी कैप से मल्टीप्लाई किया, अपोजिट टू डायपोल मोमेंट वेक्टर था नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड, इसीलिए माइनस पी कैप से मल्टीप्लाई किया। ठीक, तो अब ये चीज जो है वो हमको वेक्टर फॉर्म में हम इसको एक्सप्रेस अब कर सकते हैं। ठीक है, ये भी ई माइनस क्यू वेक्टर साइन के साथ। ठीक, अब हमको क्या पता करना है, एम पॉइंट का डिस्टेंस पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज से। तो मान लेते हैं कि एम पॉइंट का जो डिस्टेंस है डाइपोल के मिड पॉइंट से वो कितना है, वो है आर, है ना, मिड पॉइंट से एम पॉइंट का डिस्टेंस कितना, आर। ठीक, फिगर से क्लियर है कि टोटल डाइपोल लेंथ होता है 2a, तो मिड पॉइंट से पॉजिटिव का डिस्टेंस हो जाएगा सिर्फ a, मिड पॉइंट से निगेटिव का डिस्टेंस हो जाएगा सिर्फ a, है ना, तो टोटल हो जाएगा 2a के बराबर। तो देखिए, फिगर से क्लियर होगा कि जब मिड पॉइंट से m का डिस्टेंस है r और मिड पॉइंट से पॉजिटिव चार्ज का डिस्टेंस है a, तो पॉजिटिव चार्ज से m पॉइंट का डिस्टेंस कितना बचेगा, r में से a को घटा देंगे मिल जाएगा, है ना। सिमिलरली निगेटिव चार्ज से मिड पॉइंट है a और मिड पॉइंट से m पॉइंट है r, तो निगेटिव से m का टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, r प्लस a। क्लियर है। फिर भी अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन और ये डिस्टेंस के कैलकुलेशन में किसी तरह का कोई कंफ्यूजन हो रहा है तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर है 9179979001। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल एम पॉइंट पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा वो क्या होगा, वो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के कारण एग्जिस्ट करने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड्स का वेक्टर सम होगा, है ना। इस पॉइंट को यहां वर्ड्स में भी मेंशन कर दिया गया है। ठीक, तो अब मैथमेटिकल फॉर्म में आगे बढ़ते हैं, इसकी वैल्यू क्या लिख सकते हैं, तो E प्लस क्यू इंटू पी कैप प्लस E माइनस क्यू इंटू माइनस पी कैप। वैल्यू पुट करते हैं इसका और इसका, तो ये वैल्यू कहां से आएगा, इस फॉर्मूला के इस्तेमाल से आएगा, तो ये हो जाएगा K Q और डिस्टेंस कितना है पॉजिटिव चार्ज से, पॉजिटिव चार्ज से जो डिस्टेंस था M पॉइंट का वो था R माइनस A, तो डिस्टेंस का स्क्वायर कर दिया, ठीक है, इनटू में P कैप। इस माइनस साइन से ये प्लस साइन
माइनस हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, के क्यू बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। तो नेगेटिव चार्ज से एम का डिस्टेंस कितना था, आर प्लस ए, तो हो जाएगा ये आर प्लस ए का स्क्वायर और इंटू में पी का बचा रहेगा। ये माइनस साइन जो है वो अब हट जाएगा क्योंकि इस माइनस से इस प्लस को हमने माइनस कर दिया है। ठीक है, इन सिंबल से कंफ्यूज नहीं होना है, ये माइनस साइन जो है वो नेगेटिव चार्ज के लिए। ठीक है, इस पूरे सिंबल का मतलब क्या था, इस पूरे सिंबल का मतलब था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज एट पॉइंट एम, और इस सिंबल का मतलब क्या है, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज एट पॉइंट एम। ठीक है, तब देखिए यहां पे क्या कर सकते हैं, जो चीज ऊपर नीचे कॉमन कुछ दिख रही है उसको बाहर निकाल लें। तो देखिए के दिख रहा है, क्यू दिख रहा है, पी कैप दिख रहा है, वो दोनों में कॉमन है तो बाहर निकाल लेते हैं। तो के क्यू और पी कैप को हमने बाहर ले लिया, अंदर क्या बचेगा, इसमें बचेगा, ऊपर में तो सब बाहर निकल गया इसलिए ऊपर बच जाएगा वन, और नीचे क्या बचेगा, आर माइनस ए का स्क्वायर बचेगा, फिर माइनस यहां पे ऊपर क्या बचेगा, ये तीनों तो हमने कॉमन बाहर निकाल लिया है तो बचेगा वन डिवाइडेड बाई आर प्लस ए का स्क्वायर। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत, तो अब हमारा मेन काम खत्म हो गया, अब सिर्फ हमको इस वैल्यू को कैलकुलेट कर लेना है, तो वो भी करके देख लीजिए। देखिए सिर्फ अभी इसको कैलकुलेट कर रहा हूं मैं साइड में, ये रफ वर्क है, तो वन माइनस आर माइनस ए का स्क्वायर माइनस आर प्लस ए का स्क्वायर, नीचे एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा आर माइनस ए का स्क्वायर इंटू आर प्लस ए का स्क्वायर, ये चीज यहां जाएगी, ये चीज यहां जाएगी, आर प्लस ए का स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का स्क्वायर। ठीक है, ऊपर जब ब्रैकेट ओपन करेंगे फॉर्मूला अप्लाई करके a प्लस बी का स्क्वायर और a माइनस बी का स्क्वायर, तो क्या आएगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस टू आर ए, है ना, और ये माइनस साइन के साथ अंदर ब्रैकेट रहेगा, आर स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस टू आर ए, है ना, क्योंकि ये a माइनस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे इस पर, डिवाइडेड बाई, यहां पे हम क्या करते हैं, क्योंकि r माइनस ए का स्क्वायर है तो इसको r माइनस ए इंटू आर माइनस ए लिख ही सकते हैं, है ना, इंटू इसको भी उसी तरह लिख सकते हैं, r प्लस ए का स्क्वायर है तो r प्लस ए इंटू आर प्लस ए लिख सकते हैं। ठीक, अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे पहले ऊपर का, तो देखिए जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो चूंकि बाहर में माइनस साइन था तो अंदर में जो प्लस वाले हैं वो माइनस हो जाएंगे और जो माइनस वाला था वो प्लस हो जाएगा, तो देखिए क्या कट रहा है, ऊपर ऊपर जो है वो आर स्क्वायर से कट जाएगा, ए स्क्वायर से कट जाएगा, है ना, बचेगा सिर्फ टू आर ए यहां पे और ये टू आर ए यहां पे, यहां पे भी देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया जाए और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या होगा, देखिए ऊपर तो हमको मिल गया 4R A, क्योंकि ये भी पॉजिटिव में 2R है, ये भी पॉजिटिव में 2R है, नीचे देखिए ये A माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, है ना, फिर ये वाला इससे मल्टीप्लाई होके दे देगा फिर से R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, है ना, तो देखिए ऊपर हम कुछ खुराफात कर सकते हैं क्या, तो 2R इंटू 2A लिख सकते हैं 4RA को, तो 2 टू 4 हो जाएगा और RA तो RA ही है, नीचे देखिए दोनों सेम चीज थी तो हम इसको R माइनस सॉरी हम इसको R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि दोनों सेम चीज है तो स्क्वायर हो जाएगा वो, है ना,
तो ये चीज हमको जो है वो फाइनल मिल गया इसका कैलकुलेशन, है ना। तो अब हम यहां पे पुट कर देंगे, तो देखिए के क्यू पी का और इंटू में ऊपर में तो हो जाएगा 2R इंटू 2A डिवाइडेड बाय क्या होगा R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का स्क्वायर, है ना, R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का स्क्वायर यहां पे प्लेस कर दिया हमने, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत। तो अब देखिए, अब इसमें कुछ चीज अगर आपको दिख रही हो, जैसे Q इंटू 2A दिख रहा है ना, Q इंटू 2A क्या होता है, डाइपोल मोमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है। तो सिंस Q इंटू 2A क्या मिल गया हमको, P मिल गया, डाइपोल मोमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड मिल गया, तो इस वैल्यू में हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो देखिए बचा हुआ वैल्यू क्या है, K है, ये तो हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड एट M, है ना, K बचा है, K लिख दिया, Q इंटू 2A की जगह अब हो जाएगा P, है ना, ये रिप्लेस किया, फिर बचेगा ऊपर में क्या चीज, P का बचेगा, और क्या बचेगा ऊपर, 2R बचेगा, तो 2R लिख दिया, नीचे क्या है, R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक। यहां भी देखिए एक चीज रिप्लेस होने वाली क्वांटिटी एक दिख रही है यहां भी, P और P कैप, तो देखिए P इंटू P कैप क्या होगा, P वेक्टर होगा, है ना, क्यों, क्योंकि P कैप जो होता है वो क्या होता है, P वेक्टर बाई P होता है, इसीलिए P इंटू P कैप क्या हो जाएगा, P वेक्टर हो जाएगा। तो उस चीज को हम यहां फिर से रिप्लेस कर देंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो M पॉइंट पे फाइनल मिल जाएगा वो क्या हो जाएगा, K P वेक्टर इंटू 2R बाई R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का स्क्वायर, ये एक आंसर हमारा हो जाता है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत। तो इस कैलकुलेशन में अगर किसी तरह का कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर 9179799001 पे कॉन्टैक्ट करें, ठीक है। अब इसमें एक स्पेशल केस लगाया जाता है, कौन सा वो देखिए, तो स्पेशल केस ये होता है कि अगर जो हम R डिस्टेंस ले रहे हैं M पॉइंट का इस मिड पॉइंट से, वो अगर बहुत बड़ा हो जाए A से तो क्या होगा। तो इस केस में जब बहुत बड़ी क्वांटिटी में से बहुत छोटी क्वांटिटी को घटाएंगे, तो स्पेशल केस ये है कि अगर R बहुत बड़ा हो जाए A से, R मतलब M पॉइंट का डिस्टेंस डाइपोल के मिड पॉइंट से, अगर ये बहुत बड़ा हो जाए A से, तो इस केस में बहुत बड़े के स्क्वायर में से बहुत छोटी क्वांटिटी के स्क्वायर को जब हम घटाते हैं तो हमको अप्रॉक्स में बहुत बड़ी क्वांटिटी ही मिलेगी, ठीक है। तो इस चीज को हम यहां पे इम्प्लीमेंट कर देंगे, तो इस केस में जब R मच ग्रेटर देन A है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला किसमें मॉडिफाई हो जाएगा वो देख लीजिए, K P वेक्टर और 2R तो रहेगा ही, नीचे R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का स्क्वायर है, तो पहले तो R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर को सिर्फ R स्क्वायर से रिप्लेस कर देते हैं, है ना, उसका भी स्क्वायर था तो ये स्क्वायर कर दिया, ठीक। तो ये हो गया K P वेक्टर 2R बाई R पे पावर 4, तो यहां देखिए जो कट रहा है उसको काट देते हैं, तो ये R इससे कट जाएगा, 3 बचेगा नीचे में,
तो वैल्यू क्या बचेगी, के पी वेक्टर इंटू में टू डिवाइडेड बाई आर क्यूब। तो इसको थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, तो ट्वाइस ऑफ के पी वेक्टर बाई आर क्यूब, ये नया इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमको मिल गया एम पॉइंट पे ड्यू टू द डाइपोल। कब, जब आर मच ग्रेटर देन ए हो जाए, ठीक है। अब देखिए, चाहे यहां पे हो चाहे यहां पे हो, दोनों ही फॉर्मूला में पॉजिटिव साइन है ओवरऑल या नेगेटिव साइन है, ऑब्वियसली कुछ नहीं निकला है साइन, मतलब पॉजिटिव साइन मिला है हमको इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। मींस जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है इस पर्टिकुलर सिचुएशन में, मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ड्यू टू डाइपोल एट पॉइंट एम, वो किधर है, वो डाइपोल मोमेंट वेक्टर के ही अलोंग है। अगर इस डेरिवेशन में माइनस साइन आ जाता तो उसका मतलब होता कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट वेक्टर है, ठीक है। तो यहां पे चूंकि कोई साइन नहीं है मतलब पॉजिटिव है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल मोमेंट वेक्टर के ही अलोंग है, ठीक है। तो ये आपको स्पेशल केस के साथ भी ये डेरिवेशन हो गया। तो अगर इस पूरे डेरिवेशन में किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम है तो जैसा कि मैं बार बार कह चुका हूं कि आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर फिर से बता दे रहा हूं 9179997901।